अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटा, उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। ऑनलाइन 10th फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 हमारा टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का चल रहा है। ठीक है, आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और इसका मतलब क्या है। ठीक है, मजीद हमारे पास 3 डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, डीके प्रोसेसेस है जिसमें अल्फा आएगा, बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में। इसके बाद बेटा हमने रेडिएशन अल्फा बीटा और गामा जो हमने लेक्चर नंबर 2 में भी इसका जिक्र किया था उसकी डिटेल पढ़ी थी। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है आयनाइजिंग इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों क्या होती हैं। ठीक है, टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। देखिए न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल हो वो अपने अंदर से रेडिएशन को निकालेगा। ठीक है, एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई अपने अंदर से जब रेडिएशन एमिट करेगा तो इस एमिशन के दौरान वो न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अच्छा, इसमें आमतौर पर ये होता है कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है वो जो न्यू एलिमेंट बनाता है बेटा, उसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर आप वाइट पे देखें, यहाँ पर मैंने पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इसका भी जिक्र करेंगे। डेफिनेशन हम करते हैं, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई With the emission of radiations is called nuclear transmutation। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रेडियम है वो अपने अंदर से रेडिएशन को निकालकर रेडॉन बन जाएगा और इसी प्रकार से कार्बन आइसोटोपिक कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन 14-6 वो भी अपने अंदर से खास किस्म रेडिएशन निकालकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही हैरानकुन मामला है कि कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है और रेडियम जो है वो रेडॉन में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से और भी बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं बेटा जो कि अपने अंदर से रेडिएशन का इंतजाज करके न्यू एलिमेंट्स बनाते हैं। यही वो तरीकाकार है, एक आर्टिफिशियल वे है जिससे हम जिससे पीरियोडिक टेबल के कई एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो 3 रिएक्शंस हैं अल्फा बीटा और गामा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक पेरेंट एलिमेंट पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने अंदर से अल्फा रेडिएशन निकालेगा। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अल्फा की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं हीलियम से। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट अपने अंदर से इस रेडिएशन को, इस मटेरियल को एमिट करेगा तो वो कौन सा न्यू एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का से बीटा डीके में भी हमने यही पढ़ना है कि जब एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई अपने अंदर से बीटा रेडिएशन निकालेगा तो वो कौन सा एलिमेंट बना सकता है। ठीक है, सिमिलरली गामा के बारे में भी यही आएगा। अच्छा बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन तीनों रिएक्शन में जो आपके इन तीनों रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने के लिए कुछ जनरल इक्वेशन भी है। अब ये भी जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर ये भी जनरल है और ये भी जनरल इक्वेशन है। उसके बाद की एग्जाम्पल रिएक्शन मैंने दी हुई है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में से। अच्छा, अब आप यहाँ देखें अल्फा डीके में ये आपके पास है पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स। ठीक है, ऊपर इसका एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर। अपने अंदर से जब इसने एक हीलियम यानी कि अल्फा रेडिएशन एमिट किया तो इसने ये डॉटर न्यूक्लियाई बना दिया। अब याद रहे कि जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा और पेरेंट न्यूक्लियाई होगा इनके एटॉमिक मैसेस में डिफरेंस आएगा, इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आएगा बेटा। तो जरा और सुनेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 एटॉमिक मास। ठीक है, अब 4 चूंकि हीलियम अपने अंदर से इसने एमिट किया है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस एटॉमिक मास में से इस एमिटेड रेडिएशन का एटॉमिक मास हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा A-4 और इसी तरीके का से एटॉमिक नंबर में से भी ये सब्ट्रैक्शन होगी। ऐसा क्यों कर होता है? दरअसल जब एक एलिमेंट अपने अंदर से हीलियम निकालेगा तो ऑब्वियसली अब जो न्यू एलिमेंट बनेगा उसमें हीलियम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्शन के जरिए ही निकाला जाएगा। जी,
तो ये आपका सिचुएशन बन चुकी है। अब आप और साथ में बेटा बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी एमिट होती है, ठीक है जी। ये एनर्जी वही इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन इक्वेशन मास एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 6 में 9 फिजिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर भी इसका जिक्र आएगा दोबारा, ठीक है। और से देखिए बाप बेटा, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्स दिया था, और यहाँ पे एग्जाम्पल में आपके पास आर ए है रेडॉन, जिसका एटॉमिक मास है 226 और एटॉमिक नंबर है 88। एटॉमिक मास 226 और एटॉमिक नंबर 88। अब जब इसने अपने अंदर से अल्फा एमिट किया, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए ये अल्फा हीलियम का एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। तो अब इस सूरत में हम इस एटॉमिक मास में से इस एटॉमिक मास को सबट्रैक्ट करेंगे फार्मूले को देखते हुए। तो हमारे पास कैलकुलेशन से जो न्यू एलिमेंट बना वो क्या था बेटा, ये 226 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका 222, और 88 माइनस 2 इक्वल्स टू 86। तो ऐसा एलिमेंट हमारे पास वजूद में आया जिसका एटॉमिक मास 222 और एटॉमिक नंबर 86 का। तो बेटा जब हमने पीरियोडिक टेबल पे चेक किया, इस एलिमेंट को हम कहते हैं रेडॉन, ठीक है। ये डॉटर न्यूक्लियाई है, और से देखिएगा साथ में हीलियम एमिट हुआ जिसे हम अल्फा डिके कह रहे हैं, और बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी का भी इखराज हुआ। और से देखिएगा बेटा, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जी, आपके पास एलिमेंट है पेरेंट न्यूक्लियाई, अनस्टेबल एलिमेंट है, एटॉमिक मास 226, एटॉमिक नंबर 88। जब ये अपने अंदर से हीलियम को एमिट करेगा, निकालेगा, तो हमने क्या करना है, हमने पेरेंट न्यूक्लियाई और एमिटेड मटेरियल के एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो तो उसमें से खाली हो चुका है, निकल चुका है, ठीक है। तो अब जब नया एलिमेंट हम देखेंगे वो बेटा होगा रेडॉन, ठीक है। कैलकुलेशन आपने देखनी है और न्यूक्लियर रिएक्शन की जनरल इक्वेशन को आपने गौर से देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा डिके प्रोसेस में जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है, अल्फा डिके प्रोसेस में जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है बेटा, वो न्यूक्लियाई पेरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक मास में से 4 का डिफरेंस रखता है, 4 का डिफरेंस रखता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो 4 क्यों, क्योंकि वो हीलियम निकाल रहा है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, ठीक है। और इसी तरीके का से हम ये ऐड करेंगे कि अल्फा डिके प्रोसेस में जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो पेरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर में से 2 का डिफरेंस रखता है, 2 का फर्क रखता है, ठीक है। आप देख रहे 88-2 जनरल इक्वेशन में भी सेम ही चीज है, और इस तरीके का से हमने इक्वेशन को कंप्लीट किया। चलिए अब आप आ जाते हैं बीटा डीके की तरफ। बीटा डीके में क्या है, सेम ऐसे ही आपके पास जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम और करें, यहाँ पर आपके पास जी, वहां मैंने एक्स कह दिया था, यहाँ पर मैंने जी कह दिया, ठीक है। अब यह आपके पास एक न्यू अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया वो कार्बन 14 है बेटा, याद रहे कार्बन 3 फॉर्म में होती है, कार्बन 12 6 13 6 और 14 6 जो 14 6 है ये कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होती है, इसका जिक्र हमारा रेडियोएस्टोप के टॉपिक में आ रहा है जी। अब यहाँ देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, इसे हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियर, ठीक है। अब आप यहाँ ये गौर करें कि बीटा डीके में एटॉमिक मैसेज सेम रहेगा, जबकि एटॉमिक नंबर में थोड़ा सा फर्क आएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट होता क्या है कि हमने जी माइनस इंटू माइनस वन, अब ये माइनस वन हमने क्यों किया, ठीक है, क्योंकि इसने अपने अंदर से बीटा, ठीक है, बीटा रेडिएशन एमिट की। अब बीटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0-1, इसका एटॉमिक मास है 0 और एटॉमिक नंबर है -1, ठीक है, चार्ज -1 है इसके ऊपर। तो इस वजह से जब हम इसके एटॉमिक मैसेज का डिफरेंस देखेंगे तो वो तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो z माइनस माइनस बन जाएगा z प्लस 1, यानी कि आप यहाँ पर z प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आप अपने आपको रिएक्शन सीखा, साथ में एमिटेड पार्टिकल और एनर्जी, कार्बन 14 6 एग्जाम्पल अपने अंदर से जब इसने बीटा रेडिएशन निकाल दिया तो 14-0 एज इट इज, और 6 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से हम कहेंगे 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो 14 एटॉमिक मास और 7 एटॉमिक नंबर, ये बेटा कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन, साथ में एनर्जी होता है। बेटा गामा रिएक्शन जो है इसमें जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है बेटा वही डॉटर न्यूक्लियाई होता है,
सिर्फ यहाँ पे आपने अपने टेक्स्ट बुक में देखना है तो एक छोटा सा स्टार बना हुआ होगा, ठीक है, या तो इधर होगा या फिर डॉक्टर ने किया होगा, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता, चूंकि एक न्यूट्रल पार्टिकल को अपने अंदर से एमिट करता है, तो ऐसी सूरत में, ऐसे एमिशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये तो सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप में चला जाए तो उस सूरत, अब देखिए ये सिंगल स्टेप में है, मतलब एक पेयर न्यूक्लियर ने एक दफा अपने अंदर से एक रेडिएशन या एक पार्टिकल एमिट किया है, ठीक है। लेकिन अगर ये सिस्टम चलता रहे, अगर ये एमिशन चलती रहे, तो कुछ देर के बाद हो सकता है कि न्यूट्रॉन की कमी की वजह से न्यू एलिमेंट बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी अल्फा प्रोसेस और बीटा प्रोसेस हो रहा होता है, उसके साथ साथ गामा प्रोसेस भी साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, गौर से देखें अपनी टेक्स्ट बुक को बेटा, गौर से रीडिंग कीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन आप अंडरलाइन कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस बनाए के लिए, मैंने ये सर से पूछने हैं, तो जब आपकी क्यूरी होगी आपको प्रॉपर, ठीक है, ऑनलाइन आप आमने सामने आएंगे और चीजें पूछेंगे तो मैं वहाँ पे आपकी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, टेक्स्ट बुक आपने अपने हाथ में रखिएगा जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनाइजिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। आयनाइजिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? देखिए जी, बात यह है कि अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन जो है ना, ये मैटर के अंदर आयनाइजेशन पैदा करते हैं। अब आयनाइजेशन क्या होती है? मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी गैस में से अल्फा रेडिएशन को गुजारें, बीटा को गुजारें या गामा को गुजारें, तो ये रेडिएशन जो है उस गैस पार्टिकल्स को आयनाइज कर देगी, मतलब वो उस मटेरियल को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का एक क्लाउड बना देगी, ठीक है, एक क्लस्टर बना देगी। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आयनाइजिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है? पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है आर पार गुजर जाना, मतलब अब हमने ये देखना है कि क्या ये रेडिएशन कितनी कितनी मोटी दीवारों में से, हर्डल्स में से, रुकावटों में से आर पार गुजरने की सलाहियत रखती है, ठीक है। अच्छा, साथ में इनके रीजंस भी आएगा, रीजन मैंने नहीं लिखा व्हाइट बोर्ड पर, जगह नहीं थी, ठीक है, मैं साथ ही मैं आपको रीजंस को भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। डेफिनेशन देखिए आप बेटे, द फिनोमिनन बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनाइजिंग इफेक्ट। वो प्रोसेस जिसमें रेडिएशन किसी मैटर के मटेरियल को, पार्टिकल्स को, ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में स्प्लिट कर दे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजिंग इफेक्ट या आयनाइजिंग एबिलिटी कहते हैं। अब जरा गौर करें आप, ये जो आपको ब्लू आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये एक गैस के या एक मैटर के पॉजिटिव सॉरी न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो पहली सूरत में मैंने क्या किया, इन पार्टिकल इस मैटर में से मैंने अल्फा रेडिएशन गुजारी। अब आप जरा गौर देखें, जरा गौर करें, अल्फा रेडिएशन के गुजारने से ज्यादा पार्टिकल्स आयोनाइज हो गए। देखिए ये भी आयोनाइज हो गया, ये भी आयोनाइज हो गया, ज्यादातर पार्टिकल आयोनाइज हो गए, ठीक है, इसकी रीजन मैं आपको बात करता हूँ। अच्छा, बीटा की सूरत में अगर आप गौर करें तो बीटा की रेडिएशन जो आयोनाइजिंग एबिलिटी है वो अल्फा से कम है, ठीक है, इसकी वजह क्या है? एक तो इसका एटॉमिक मास जीरो है, इसका एटॉमिक मास जीरो और इसका चार माइनस का, तो इसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी अल्फा की रेडिएशन, अल्फा को अगर आप अल्फा को देखें, अल्फा को हम लिखते हैं 4-2, ये एक हैवीएस्ट मटीरियल है, एक हैवी मास है और हैवी चार्ज रखने वाला है बीच पर इसके, जबकि बीटा को हम लिखते हैं 0-1 और गामा को लिखते हैं हम 0-0, ठीक है। तो सबसे हैवी इसमें अल्फा है, आप जरा गौर करें, इसका एटॉमिक मास 4 है, इसका एटॉमिक मास 0 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर -1 है, तो हैवीएस्ट होने की वजह से आयनाइजिंग इफेक्ट, आयनाइजिंग एबिलिटी अल्फा की सबसे ज्यादा होती है। आपसे पूछा जाए कि व्हाई आयनाइजिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन अदर्स, ठीक है, आयनाइजिंग इफेक्ट अल्फा की वो बाकियों से ज्यादा क्यों है, आप लिखेंगे ड्यू टू इट्स हैवी चार्ज, हैवी मास, बस ये दो रीजन लिखेंगे। अगर आप गौर से पढ़ेंगे ना उस पैराग्राफ को, तो बेटा वहां पर ये क्लियरली लिखा हुआ है जी, बेटा क्लियर हो गया आपको। गामा की, अब आप ये देखिए, गामा की आयनाइजिंग इफेक्ट सबसे कम होती है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि गामा रेडिएशन जो है ना, अब मैं साथ साथ रीजन भी बता रहा हूँ, गामा रेडिएशन जो है बेटा वो हाई इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट
ठीक है, न्यूट्रल नेचर, न्यूट्रल नेचर होती है जैसे मैंने आपको कल के टॉपिक में बताया था, ठीक है, न्यूट्रल नेचर होती है, और इसके अलावा ये फास्ट मूविंग या फास्ट ट्रेवलिंग फोटॉन्स पैकेट होते हैं। अब ये फोटॉन्स क्या होते हैं? ये लाइट पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे से, जो कि आपने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर भी पढ़ा था, जिससे जिन पैकेट्स को ग्रीन प्लांट्स अपने फूड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका जिक्र है, ये बिल्कुल सही चीज है। तो गामा की जो आयोनाइजिंग एबिलिटी है वो अल्फा और बीटा से कम है, इसकी रीजन मैंने आपको बता दिया है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत तेजी के साथ मूव करने की ट्राई करती है, वेवलेंथ बहुत बारीक होती है, बहुत बारीक वेव होती है, ठीक है, न्यूट्रल नेचर होती है, फास्ट मूविंग फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, ये वो जनरल रीजन है, ठीक है, फास्ट मूविंग फोटॉन ये वो जनरल रीजन है जो कि गामा की एनर्जी को बाकी से डिफरेंशिएट करती है। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक में, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ रेडिएशन। पेनिट्रेटिंग के बारे में आपको बता दिया, आर पार गुजर जाने की सलाहियत, ठीक है, मतलब एक मटीरियल है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे पेनिट्रेट करते हैं, गुजर जाता है उसके आर पार गुजरने की सलाहियत रखता है, ठीक है, उसे हम उस मटीरियल की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कहते हैं या उसके अंदर धंसने की। अच्छा, अब जरा और पहले डेफिनेशन देखिए आप, द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट अ सर्टेन मटीरियल इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। किसी भी रेडिएशन की वो ताकत, किसी भी रेडिएशन की वो ताकत या वो सलाहियत जिसमें वो किसी रुकावट में से आर पार गुजर जाती है बेटा, वो सलाहियत को हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। अब जरा गौर करें आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, या आपके पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, आपने सिंपल से गौर से देखना है, ऐसा सिंपल आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा होगा, शोभा खाना अगर आप कभी जाएं वहां पर सिंपल बना होगा, जिन पॉइंट पर ये सिंपल है उसका मतलब ये है कि वहां पर रेडियो एक्टिव सोर्सेस है, वहां पर कुछ ऐसे मटीरियल पड़े हैं जिसमें से रेडिएशन निकलती है, बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसके सामने तीन रुकावटें कौन कौन सी है, एक पेपर है, एक एल्यूमिनियम शीट है और एक लेड की शीट है, ठीक है। अब अगर आपने गौर से देखना है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बेटा, जब अल्फा की बात होती है तो अल्फा रेडिएशन बारीक से पेपर के ऊपर भी रुक जाती है, ठीक है, इसकी वजह क्या है, ये बिल्कुल मिसाल ऐसी है जैसे आपने एक एक जाली में से आपने एक बॉल को गुजारने की जरूरत कोशिश करनी है, आप बिल्कुल ही बिल्कुल हैरानकुन बात है कि एक बॉल को जाली के अंदर से कैसे गुजार सकते हैं, क्योंकि बॉल का मैस और साइज तो बड़ा है, ठीक है, तो अल्फा अपने हैवी मैस और हैवी चार्ज की वजह से पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे कम रखती है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें बेटा यहाँ पे अल्फा एक पेपर पर ही जाकर रुक जाता है, ठीक है, जबकि बीटा, बीटा पेपर में से तो ट्रैवल कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम की रॉड पर या एल्यूमिनियम शीट पर जाकर ये रुक जाता है, जबकि अगर आप गामा को देखें तो गामा रेडिएशन पेपर में से भी इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, एल्यूमिनियम से भी, और इवन जाके ये लेड की मोटी दीवार, काफी मोटी थिक वायर होती है, थिक आपके पास एक सरफेस एरिया होता है, ठीक है, उसके ऊपर जाके ये रुक जाती है, ये स्टॉप कर देती है, ठीक है, मतलब इससे से पेनिट्रेट नहीं करती। अब इसकी रीजन सेम वही है जो कि मैंने आपको आयनाइजिंग इफेक्ट के अंदर या आयनाइजिंग एबिलिटी के अंदर बताई थी। चलिए दोबारा एक दफा क्लियर कर दूं कि पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो गामा की है। अब अगर इसकी रीजन पूछी जाए कि गामा की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा क्यों है या गामा की आयनाइजिंग एबिलिटी कम क्यों है, तो बेटा इन दोनों सवाल के जवाब यही है आपको व्हाइट बोर्ड पे। गामा की आयनाइजिंग एबिलिटी कम क्यों है, गामा की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा क्यों है, इन दोनों सवाल के जवाब बेटा आपके पास ही व्हाइट बोर्ड पर है। ड्यू टू इट्स हाई इंटेंसिटी, शॉर्ट वेवलेंथ, न्यूट्रल नेचर, फास्ट मूविंग फोटॉन्स, ठीक है, ये वो रीजंस हैं जो कि गामा को काफी से डिफरेंशिएट करते हैं। सिमिलरली अगर आपसे अल्फा के बारे में पूछा जाए कि अल्फा, अल्फा की आयोनाइजिंग इफेक्ट बाकियों से ज्यादा क्यों है, अल्फा की आयोनाइजिंग इफेक्ट बाकियों मतलब बाकी कौन से हैं, बीटा और गामा से ज्यादा क्यों है, तो उसकी रीजन क्या होगी कि इसका चार्ज बहुत हैवी होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं हैवी मैस, ठीक है, और हाईली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, हाई चार्ज,
जो आगे काम आ रहा है उसमें ज्यादातर थ्योरी आ रही है सिवाय न्यूमेरिकल से। ठीक है, थैंक यू।